एक साइलेंट किलर है, इसे प्रिवेंशन सबसे इसका बेहतर तरीका है। और ये जिस तरह TDC कायम किया गया है, जिस तरह ये सर्विसेज दे रहा है और जिस मॉडर्न प्रोसीजर्स यहाँ पर हैं, तो यही और अस्पताल भी तकलीफ करेंगे, क्योंकि ये हर चार में से एक पाकिस्तानी की बीमारी है, हर घर के अंदर है। तो इसलिए इसका मुकाबला करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर जब तक आएगा और क्वालिटी इलाज मुहैया करेगा तो फिर ये मामला आगे चलेगा। ताहिर भाई साहब जो हैं, ये चंद साल पहले इन्होंने अर्जुन समीर साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था, और यहाँ पर बहुत से लोग हैं इस आसपास आप देखेंगे जिन्होंने बड़ी कामयाब हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हैं और अरबपति हो गए, लेकिन इन्होंने आवाम की खिदमत की है और ये अरबों की जगह जो है वक्फ की है, और एक कामयाब इदारे बनाना मुश्किल, मैंने पहले कहा मुश्किल होता है, इदारे को चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये इनकी बड़ी कामयाबी है कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में है जिसकी तकलीद दूसरे गवर्नमेंट भी करे, दूसरे लोग भी करें, क्योंकि ये बीमारी जो है हमारे शायद एक दो जो बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो 14 नवंबर को होता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरा नवंबर का महीना जारी रहती हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के अंदर जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को इस बीमारी के बारे में आगाही फ्राहम। और एक और चीज़, मैं बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आज के दिन पे तमाम जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं हम उनके साथ हैं, और इसकी रोकथाम के लिए, इसकी आगाही के लिए हम तमाम जो है वो मिलकर काम करेंगे। जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज, आपकी उमंगों का तर्जुमान, ABC से तस्दीक शुदा अशार, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बयक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार, रोजनामा, अखबार हक, आज ही अपने करीबी हकर से तलब फरमाएं।